देख सकते हैं मोबिल ना होने के कारण पिस्टन का हाल ऐसी गलती कर देते हैं लोग कि टाइम पे मोबिल ना डलाने के कारण देख सकते हैं जहाँ 400 को खर्चा वहाँ 5000 लगाइए 4000 लगाइए देख सकते हैं मैस्ट्रो एज का हाल इंजन का काम करने के लिए देख सकते हैं पिस्टन को हमने लगा दिया फ्रेंड। अब हम इसमें आयल को लगा देंगे हल्का पिस्टन में और इसे बिठा देंगे और पैकिंग को देख रहे हैं पैकिंग सही है तो अब इसे हम लगा देंगे। और साइड साइड से रिंग को दबा देंगे आसानी से देख सकते हैं पिस्टन को हमने लगा दिया फ्रेंड। अब टाइमिंग चैन को खींच लेंगे इस बाहर और इसे ब्लॉक को हल्का हल्का दबाएंगे ये बैठ जाएगा देख सकते हैं बैठ चुका है। और अब हम हेड को लगाएंगे। मैस्ट्रो का हाफ इंजन का काम करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इसे बिठाने के बाद इस गाइड को लगा देंगे टाइमिंग चैन गाइड को इस तरीके से लगा दें देख सकते हैं यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है इस जगह पे ये बैठ जाएगा। और अब हम हेड को लगा देंगे। हेड को लगाने से पहले देख सकते हैं यहाँ दो बूस होता है फ्रंट इसे भी हमने लगा दिया है यहाँ पे भी दो बूस होता है इस जगह पे और इस जगह पे। और अब हम पैकिंग को लगा देंगे हल्का सोल्यूशन लगा दिया हमने रेसिबॉन देख सकते हैं ये बैठ चुका है। और अब हम हेड को लगा देंगे देख सकते हैं इसमें दो बल्ब भी लगाए हमने और इसे हम फिट कर देंगे यहाँ पे चार वाशर और चार नट होते हैं इसे हम टाइट करेंगे अभी और दो बोल्ट इस जगह पे होते हैं इसे भी हम लगा देंगे ये दोनों बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया और ये चारों को फ्रेंड। अब हम टाइमिंग चैन का सेटिंग करेंगे टाइमिंग चैन को लगाएंगे टाइमिंग को सबसे पहले मैग्नेट को देख लेंगे फ्रेंड देख सकते हैं टाइमिंग टी आपको दिख पा रहा होगा फ्रेंड और एक अंदर कट होगा मैं दिखाता हूँ फ्रेंड इस टेस्टर की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ एक लाइन खींचा हुआ है और टी हमारा बिल्कुल इसी स्टेट में है यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे और ये टी लिखा हुआ। अब हम टाइमिंग चैन स्प्रोकेट को लगाएंगे देख सकते हैं इसको टाइमिंग को हमने ले लिया है हमने इसका टाइमिंग किस तरीके से रखना फ्रेंड दिखाता हूँ लाइनिंग को देख रहे फ्रेंड ये लाइनिंग को हमें इस स्टेट में रखना है और इसे हमने रख दिया और दो बोल्ट को अब हम लगा देंगे और इसे हम फुल टाइट कर देंगे अब हम टाइफिट का एडजस्टमेंट करेंगे देख सकते हैं इसमें हल्का पले है इसमें हल्का साइड पले सिर्फ रखेंगे इसमें दोनों में और इसका काम कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। और इसे हम चालू करके दिखाएंगे ट्रैफिक को हमें सिर्फ साइड प्ले ही रखना है तो देख सकते हैं कि हमने इसे सिर्फ साइड प्ले ही रखा है फ्रेंड तो इसी तरीके से आप ट्रैफिक अगर मिलाते हैं तो इसे सिर्फ साइड प्ले ही रखें। इस होल से हमें चेक करना है कि देख सकते हैं कि इसमें आयल आ रहा है कि नहीं हमने चेक किया देख सकते हैं आयल पूरा चल रहा है इधर भी लगा हुआ चालू कर अभी तो खोलिए ले रहा है चालू किए उसके बाद दिखा रहे हैं देख सकते हैं कि आयल प्रॉपर चल रहा है तो इस तरीके से जरूर चेक कर लें कि हमारा आयल आ रहा है कि नहीं काम होने के बाद तो प्रॉपर आयल आ रहा है
अब इसे पैक करेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड कि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। आप इंजन का काम इसका कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं सही तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है। मोबिल ना होने के कारण इतना बड़ा समस्या हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।